लेकिन मैं कल से देख रहा हूं, कल से सुन रहा हूं, ये कहा गया कि जो इस बिल को समर्थन नहीं करेगी वो देशद्रोही है। और जो बिल का समर्थन करेगा वो देशभक्त है। मैंने सभी सदस्यों से मेरा आग्रह, कृपया शांति रखें। मैंने ये भी पढ़ा है, अभी मैंने ये भी अभी सुन रहा था। प्लीज आप बोलने दे उन्हें, आप उनकी बात सुनिए। संजय, जो इस बिल को समर्थन नहीं करेंगे वो पाकिस्तान की भाषा बोले, उसका मतलब हम ये पाकिस्तान की असेंबली तो नहीं है, यहाँ हो या वहां हो, हम इस देश के नागरिक है, देश की जनता ने सबको वोट किया है, यहां भी किया है वहां भी किया है, और देश की जनता ने वोट किया है, तो पाकिस्तान के नागरिक की असेंबली नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान की भाषा हमको पसंद नहीं है तो हमारी इतनी मजबूत सरकार है, पाकिस्तान को खत्म करो। पाकिस्तान ऑक्युपाइड, हम आपके साथ हैं। आप संजय जी चेयर को संबोधित कर बोले, और बीच में हम है आपके साथ, पाकिस्तान हो या जो हिंदुस्तान के हमारे जो भाई वहां इस देश में अल्पसंख्यक उसको तकलीफ होती है, उनका छल होता है, तो हमारा एक मजबूत देश, मजबूत प्रधानमंत्री, हमारे मजबूत गृह मंत्री जी, आपके ऊपर हमारी आशा है। आपने 370 को हटाया, हमने जी जान से आपको समर्थन दिया है, देते रहेंगे। आज देश के बहुत से हिस्से में मैं देख रहा हूं इस बिल को विरोध हो रहा है, हिंसा हो रही है, असम हो, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, एक सेक्शन समर्थन में है, एक सेक्शन विरोध में है, वो भी देश के नागरिक है, देशद्रोही नहीं है, तो देशभक्ति का प्रमाण पत्र किसी से लेने की हमें जरूरत नहीं है। हम कितने कठोर हिंदू है उसका हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो हम उस स्कूल के हेडमास्टर है, आपको बताना चाहते हैं। और हमारे 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 स्कूल के हेडमास्टर बाला साहब ठाकरे थे, अटल जी भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, सब हम सबको मानते हैं। मैंने आज अभी एक अखबार में पढ़ रहा था कि कश्मीर में दो जवान शहीद हुए, मुसलमान थे, उनके परिवारों ने भी इस बिल को विरोध किया है, जो शहीद हुए उनके परिवारों, तो देशद्रोही तो नहीं है। मैं मानता हूँ ये बिल धार्मिक नहीं है, ये बिल मानवता के आधार पर उसका ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और हमें यह भी पता है कि घुसपैठ और शरणार्थी में फर्क है, तो क्या बिल पास होने के बाद संजय जी कंक्लूड करिए, इस देश के सभी जो घुसपैठ है उसको आप बाहर निकालेंगे? निकलना समय चाहिए तो निश्चित है ना, गृह मंत्री जी की कमिटमेंट है। नहीं नहीं, चुनाव के रैली में भी आप ही लोगों ने तय किया है, बैठकर समय कमिटमेंट है, इस देश के एक एक घुसपैठों को हम बाहर निकालेंगे। अगर हम हमारे शरणार्थियों को यहाँ जगह दे रहे हैं तो घुसपैठों को निकालना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो हमारे अल्पसंख्यक भाई है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसके अधिकारों का हनन हुआ है, जबरदस्ती धर्मांतरण होता है, बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है, हत्याएं होती है, और मानवता के आधार पर हमको संजय जी अब कंक्लूड करिए, स्वीकार करना चाहिए, कंक्लूड करिए, उनको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हम उनको अगर स्वीकार करते हैं तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनको रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, संजय जी कंक्लूड करिए, दो मिनट अधिक हो गया, दे सकते हो, मैं अगले स्पीकर को बुलाऊंगा, कंक्लूड करें। जैसे कि मेरी पार्टी ने कहा है कि ये सभी लोग कितने हैं, जैसे आपने प्रस्ताव में कहा गृह मंत्री जी ने
कि लाखों करोड़ों लोगों की ये वेदना और उनकी आशा की बात आपने कि लाखों करोड़ लोग आप यहाँ अगर ला रहे हो तो क्या उनको वोटिंग राइट मिलेगा? मुझे लगता है 20-25 साल तक उनको वोटिंग राइट अगर आप नहीं देते हैं श्री श्री कोई देश में बैलेंस रहेगा नहीं। आप दूसरी बात है अगर शरणार्थी की 3 मिनट का समय है, मैंने 5 मिनट दिया श्री, प्लीज डोंट टेल मी। श्री मनोज कुमार झा तो देखिए हमारे देश में प्लीज कंक्लूड, लाखों कश्मीरी पंडित जो शरणार्थी है कंक्लूड, तीन से सत्तर हटाने के बाद जी ऑलरेडी यू हैव टेकन 6 मिनट्स इंस्टेड ऑफ 3 आशा की उम्मीद जागी थी। संजय जी कंक्लूड कि हमारे गृह मंत्री जी श्री मनोज कुमार झा आप बोले आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी, अगर मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा फिर श्री श्री प्रफुल्ल पटेल नहीं देन आई विल ऑल कॉल अदर। अब श्री संजय जी की बात नहीं जाएगी रिकॉर्ड पे, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। आप बोले